Today we are going to learn third poem, We Are the Music Makers. And this poem is dedicated to artists, poets, writers and musicians. Let's start. The poem you are about to read is dedicated to artists, poets, writers and musicians who may not have been seen very, who may not have been very successful in their lives. ये किन लोगों के बारे में है, आर्टिस्ट, पोएट, राइटर्स एंड म्यूजिशियंस जो जिनको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है. नॉनथलेस देयर विजनरी क्रिएशंस लेड टू ग्रेट सोशल चेंजेस. लेकिन उनका जो इमेजिनेशन पावर है, उनका जो विजन है, मतलब वो लोग जो विजुलाइज करते हैं, जो लिखते हैं, जो भी चीज़ें करती हैं, उनकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारे सोशल चेंजेस आ सकते हैं. मतलब बहुत सारे सोशल चेंजेस आए हैं. So let's start. We are the music makers. Music makers मतलब artists such as musician, painters, writers and poets. यहाँ पे poet ने क्या कहा है कि हम लोग कौन हैं, हम लोग music makers हैं. And we are the dreamers of dreams. क्या कहा है यहाँ पर artists को, dreamers of dream. इसका मतलब कि वो लोग जो सपने देखते हैं वो कैसे रहते हैं, beyond our imagination. मतलब जो सपना, जो चीज़ें हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, वो चीज़ें ये आर्टिस्ट लोग इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने कहा है कि वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स. वेंडरिंग बाय लोन सी ब्रेकर्स एंड सिटिंग बाय डिसोलेट स्ट्रीम्स. लोन सी ब्रेकर्स मतलब बिग सी वेव, एस्पेशली एट द पॉइंट व्हेन दे जस्ट रीच द शोर. एंड डिसोलेट मतलब एम्प्टी ऑफ पीपल एंड लैकिंग इन कम्फर्ट. मतलब यहाँ पे कहा है कि ये जो आर्टिस्ट लोग हैं ये कहाँ पर घूमते रहते हैं, बाय लॉ अकेले ही घूमते रहते हैं, बस लोन सी ब्रेकर्स एंड सिटिंग बाय डिसोलेट स्ट्रीम. मतलब जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते, भीड़ भाड़ नहीं रहती, जहाँ पर शांति रहती है, वहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं, वहाँ पर ये लोग रहते हैं, वहाँ पर ये लोग घूमते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ सोचने के लिए, कुछ इमेजिन करने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है. करेक्ट. तो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग ये जो ब्यूटी है, नेचर की जो ब्यूटी है, वहाँ पर बैठ के सारी चीज़ें सोचते हैं. वर्ड लूजर्स एंड वर्ड फॉरसेकर्स ऑन होम द पेल मून ग्लीम्स. वर्ड लूजर्स मतलब दुनिया जिनको लूजर्स कहती है. वर्ड फॉरसेकर्स, फॉरसेकर मतलब पीपल हु गिव अप समथिंग वैल्यूएबल. On whom the pale moon gleams. यहाँ पर ये जो दो लाइन है ना, इसमें ये बोला है कि जैसे आर्टिस्ट लोग हैं उनको क्या कहते हैं, उनको सोसाइटी में या दुनिया में उतना वेटेज नहीं दिया जाता है जैसे बाकी प्रोफेशंस को दिया जाता है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन लोगों को जैसे वेटेज दिया जाता है वैसे इन लोगों को नहीं दिया जाता. मतलब ये कैसे रहते हैं, ये निगलेक्टेड रहते हैं. करेक्ट. हाँ, तो ये रहते हैं निगलेक्टेड और दुनिया इन्हें एक्नोलेज ही नहीं करती, इन लोगों का काम एक्नोलेज नहीं करती. अभी काम एक्नॉलेज नहीं करती मतलब क्या हुआ, यस, उन्हें फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होता है. करेक्ट. सो द वर्ड लूजर एंड वर्ड फॉरसेकर्स आर द टेम्पररी आर्टिस्ट सच एज पेंटर, राइटर एंड पोएट्स. ओके. सो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि इस आर्टिस्ट लोग कौन से डिफिकल्टीज फेस करते हैं. दे फेस इन सस्टेनिंग अ लाइफ ऑन आर्ट अलोन. टू बी एन आर्टिस्ट रिक्वायर सैक्रीफाइस. उन्हें बहुत सी चीज़ें सैक्रीफाइस करनी पड़ती हैं. एंड मेनी आर्टिस्ट हैव टू फेस हार्डशिप एंड स्ट्रेस. बहुत संघर्ष करना पड़ता है उन्हें. एट, वी आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर इट सीम्स. इतना होने के बावजूद भी हम लोग कौन हैं, मूवर्स एंड शेकर्स. मूवर्स एंड शेकर्स मतलब पीपल विद लॉट ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस. उनका कहना है कि इतना सारी चीज़ें होने के बावजूद कि हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, हमारे पास एक ऐसा पावर है जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरी दुनिया हिला सकते हैं. ये है उनका इमेजिनेशन का, उनका आर्ट का पावर. नेक्स्ट, विथ वंडरफुल डेथलेस डिटीज वे बिल्ड अप द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज. यहाँ पे डेथलेस मतलब होता है इमॉर्टल, जो कभी मरते नहीं. डिटीज मतलब शॉर्ट सिंपल सॉन्ग. उन्होंने कहा है कि कुछ कुछ सिटीज़ के ऊपर हम लोगों ने क्या किए हैं, छोटे छोटे सॉन्ग बनाए. तो वो सॉन्ग कैसे हैं, वो सॉन्ग इमॉर्टल है. मतलब वो इतने फेमस हुए हैं जैसे वो सॉन्ग अभी अमर हो चुके हैं. एंड आउट ऑफ द फैबुलस स्टोरी वी फैशन एंड एम्पायर्स ग्लोरी. फैबुलस मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी. उनके क्रिएशन में से वो लोग उन सिटीज़ का इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं, सिटीज़ के बारे में इतने अच्छी उनकी बातें लिखते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाते हैं, एम्पायर की ग्लोरी बढ़ जाती है.
वन मैन विथ अ ड्रीम एट प्लेजर शैल गो फोर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउड. मतलब इन लोगों की क्रिएशन ऐसी है जो क्रिएशन क्या करती है, दूसरों को एनकरेज करती है टू अचीव देयर गोल, कॉन्कर अ क्राउन मतलब सक्सेस पाना, उनको अपने गोल पाने के लिए क्या करती हैं, एनकरेज करती हैं. एंड थ्री विद अ न्यू सॉन्ग्स मेजर कैन ट्रैम्पल एन एम्पायर डाउन. नए आर्टिस्ट आते हैं तो नए आर्टिस्ट लोगों की नई क्रिएशंस रहती हैं, इसलिए यहाँ पे कहा है विद अ न्यू सॉन्ग्स मेजर. करेक्ट, नए आर्टिस्ट ऐसे हैं तो उनके नए क्रिएशन रहते हैं, नए थॉट्स रहते हैं, और नए थॉट्स क्या करते हैं, पुराने थॉट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. कैन ट्रैम्पल एन एम्पायर डाउन मतलब नए थॉट्स आकर पुराने थॉट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और नए चेंजेस लाते हैं. इसका मतलब ऐसा भी है, पोएट ने ऐसा कहा है यहाँ पर कि इफ़ मोर पीपल कम टुगेदर ऑन ए नोवल आइडिया, मतलब कुछ आइडिया के ऊपर सारे पीपल अगर एक हो जाए और फिर वो काम करे तो क्या होता है, दे कैन ट्रैम्पल एन एम्पायर डाउन. दैट आर्ट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, मतलब आर्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. देन वी इन द एजेस लाइन in a buried past of the earth built Nineveh with our sighing and Babel itself with our mirth. mirth मतलब होता है laughter and happiness. यहाँ पर ऐसा कहा है कि जो ancient history है, इस history में कुछ cities क्या हो चुके हैं, buried हो चुके हैं. ठीक है, तो ये कौन से है, निनेव, ये जो है एक सिटी, ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत उदासी से बसाया गया हुआ एक सिटी थी. बैबल एक टावर था, माइथोलॉजिकल टावर जो बहुत खुशी खुशी से बनाया था. ओके, लेकिन अभी ये सारे, अभी ये जो है निनेव और बैबल, अभी ये नहीं है, अभी ये कहा हुआ गया है ये लोग पास्ट, जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें वो लोग बरीड हो चुके हैं इन द पास्ट ऑफ द अर्थ. एंड ओवर थ्रू देम विद प्रोफेसिंग with prophesying to the old of the new world's worth. prophesying मतलब होता है strongly believing that something will happen in future and new world मतलब the western countries especially the Americas. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो क्या हो चुकी है, वो अभी तो पास में गुड़ हो चुकी है, चली गई हैं, तो अभी क्या होता है, फ्यूचर में क्या होते हैं, फ्यूचर में नई नई आइडियाज़ आती है, नई नए क्रिएशंस आते हैं, नए नए क्रिएशंस आते हैं. ओके, फॉर ईच एज इज अ ड्रीम दैट इज डाइंग और वन दैट इज कमिंग टू बर्थ. अभी देखो यहाँ पर ईच एज का मतलब क्या है, ईच एज इज द रिजल्ट ऑफ वर्क एंड ड्रीम्स ऑफ म्यूजिक मेकर्स एंड इट इज अगेन रिप्लेस बाय न्यू वर्क एंड ड्रीम्स ऑफ देयर ओन. मतलब कुछ लोग आते हैं वो अपना कुछ आर्ट बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद नए लोग कुछ आते हैं, नए आर्टिस्ट आते हैं, उनका कुछ अलग आर्ट होता है. करेक्ट, तो जो पुराना आर्ट है वो नया आर्ट से रिप्लेस हो जाता है. करेक्ट, ईच एज सिग्निफाइज वर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बींग रिप्लेस बाय द न्यू ड्रीम्स ऑफ द मॉडर्न एंड बेटर इरा. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आर्टिस्ट लोगों का जो स्किल है, इमेजिनेशन का जो स्किल, उसकी वजह से क्या होते हैं, दुनिया में चेंजेस होते रहता है, उनकी आइडिया चेंज होती है, इमेजिनेशन चेंज होता है, इसलिए क्या होता है, जो पास में जो कोई भी इमेजिनेशन या पास में जो कुछ भी चीज़ें रहती है वो चेंज होती है और न्यू इरा मतलब नई क्रिएशंस, नई क्रिएशन यहाँ पर बनती है.